मैं बेहद मशहूर हूँ कि आज मुख्तसर से नोटिस पर आपने इतनी एक खूबसूरत तकरीब इस गर्मी के मौसम में सजाई है और बड़ा खूबसूरत मकाम भी है। और मैं आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को और कारकुनों को पीटीआई के दिल की गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि तकरीरें हो गई हैं, सभी दोस्तों ने जो पैगाम देने थे वो भी दे दिए, और जो प्रोग्राम के हवाले से हमारे पीटीआई के कल का एक प्रोग्राम है उस हवाले से हमारे गौर भाई ने आपको आगाह कर दिया है, और इलेक्शन के हवाले से भी मेरा ख्याल है आदिल भाई ने और गौर भाई ने तफसील से बात कर ली है कि ये जो 7 तारीख को परसों हमारा ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है बल्दियात का, और ख़ासकर हमारी ये जो शाफेसल है लांडी कोरंगी के अंदर हमारी एक एक यूसी है, और इसके अंदर हम तमाम दोस्तों ने मिलकर जो जो भी हमें जिम्मेदारियां पार्टी की तरफ से सौंपी जाएंगी, और जिन दोस्तों को अगर जिम्मेदारियां नहीं भी दी गई हैं वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन इंतखाबात के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करें ताकि हम इन यूसीज को विन कर सकें, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमारा ये जो शाफिसल टाउन है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमारा ये शाफिसल टाउन भी हम विन करेंगे, और हो सकता है कि इंशाल्लाह गौर खटक भाई हमारे शाफिसल टाउन के चेयरमैन मुंतखब होंगे, इसके लिए भी हम भरपूर कोशिश करेंगे। और मैं एक बार फिर राहुल लियाकत भाई को और जीशान जैब भाई को उम्र की सआदत हासिल करने पर दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके इस उम्र को कबूल फरमाए। और इस खूबसूरत तकरीब के इनेकाद पर मैं फिर तमाम मुंतजमीन का एक बार फिर दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम इस शाम के अंदर आपने सजाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।